नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे नेबरहुड फर्स्ट के। तो बात करेंगे आखिर अभी चर्चा में क्यों है, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है, नेबरहुड फर्स्ट नीति क्या है, इसे भी देख लेंगे। नेबरहुड फर्स्ट नीति की आवश्यकता क्यों है, यानी कि जरूरी क्यों है, इसे भी हम लोग देख लेंगे। नेबरहुड फर्स्ट नीति के संभावित लाभ मिलने के कारण क्या हैं, उन्हें भी देख लेंगे। और सार्क की अपेक्षा बिम्स्टेक को वरीयता दी जा रही है, उसे भी हम लोग देखेंगे। सार्क जो आपका संगठन है, इसकी अपेक्षा बिम्स्टेक की वरीयता यानी कि ज्यादा महत्व क्यों दिया जा रहा है, उसे भी हम लोग देख लेंगे। ठीक, जैसा कि आपको पता होगा, इस समय जब पूरा विश्व COVID-19 वायरस यानी कि कोरोना वायरस नामक वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहा है, भारत के लिए अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने का एक सुअवसर अवसर और देश की नेबरहुड फर्स्ट नीति की प्रासंगिकता को बहाल करने की एक चुनौती है। अपने पड़ोसी देश जो अपेक्षाकृत क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे और आर्थिक रूप से कमजोर है, नई दिल्ली के लिए यह अपनी उदारता और क्षमता का प्रदर्शन करने का एक बेहतर अवसर है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि भारत महामारी से उतना ही त्रस्त है जितना कि दक्षिण एशिया के अन्य देश हैं। यदि ऐसी स्थिति में कुछ भिन्न है तो यह है कि पश्चिम देशों की तुलना में भारत इस महामारी से निपटने में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। भारत COVID-19 महामारी के प्रबंधन में वर्तमान स्थिति को बनाए रखता है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सशक्त होकर उभरेगी, यानी कि हमारा देश एक महाशक्ति बनने की कतार में आ जाएगा। ठीक है, इसकी पृष्ठभूमि जानते हैं। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाया तथा पड़ोसी देशों एवं विश्व के अन्य देशों के साथ वैश्विक शांति को आगे रखते हुए सौहार्दपूर्ण मित्रात्मक संबंधों को प्राथमिकता दी है। इसी वजह से भारत ने शीत युद्ध के दौरान किसी भी विशेष गुट का हिस्सा बनने की बजाय गुट निरपेक्ष आंदोलन को बढ़ावा दिया है। जैसे ही हमारा देश 1947 में आजाद हुआ तो उसके सामने दो ऑप्शन रखे जा रहे थे, एक पूंजीवादी देश थे, एक समाजवादी। ठीक, यूएसएसआर हो गया था उस समय, सोवियत संघ यानी कि आज का रूस, दूसरी तरफ आपका अमेरिका था। तो भारत ने एक बीच का रास्ता चुनकर गुट निरपेक्ष आंदोलन को आगे बढ़ाया। बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के क्रम में लुक ईस्ट की नीति अपनाई। इसके अलावा भारत ने गुजराल सिद्धांत के तहत अपने छोटे पड़ोसी देशों को एक तरफा छूट देने की नीति पर भी कार्य किया, जिसे फरक्का समझौते के संदर्भ में समझा जा सकता है। वर्तमान सरकार ने विदेश नीति में निरंतरता के तत्वों को बनाए रखने के साथ साथ वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप इसे अधिक गतिशील बनाते हुए प्रथम पड़ोस की नीति को प्राथमिकता प्रदान की है। बात करते हैं नेबरहुड फर्स्ट नीति। नेबरहुड फर्स्ट नीति में भी भारतीय विदेश नीति में विद्यमान निरंतरता के तत्वों को कायम रखा गया है, जिसमें वैश्विक शांति मित्रता एवं सौहार्दपूर्ण संबंधों पर बल प्रदान करते हुए गुजराल सिद्धांत की प्राथमिकता को स्वीकार किया गया है। इसके तहत पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देते हुए उनके आर्थिक विकास तथा समृद्धि में भागीदार बनने की प्रतिबद्धता को बल प्रदान किया गया है।
इसी को आगे बढ़ाते हुए किसी देश के दल विशेष को प्राथमिकता ना देकर सभी दलों के साथ संबंधों को मधुर एवं पेगाड़ बनाने का प्रयास किया गया। इसे अफगानिस्तान में शांति एवं स्थायित्व स्थापना के अंतर्गत आए भारतीय दृष्टिकोण के परिवर्तन के संदर्भ में हम देख सकते हैं। पड़ोसी देशों को प्राथमिकता प्रदान करके उनकी आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप न करते हुए उनके यहाँ क्षमता निर्माण कार्यक्रमों निवेश को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह हो गया, अब कोई भी बांग्लादेश ले लीजिए या श्रीलंका कोई भी देश ले लीजिए। अब हम अभी हमारे यहाँ एनडीए की सरकार है और देश से संबंध ना रखते हुए एनडीए सरकार से संबंध रखें, ये देश एनडीए सरकार के भक्त बन जाए, मतलब इन्हीं के पक्ष में हर फैसला करें, तो ऐसा तो है नहीं है कि एनडीए सरकार आपकी स्थायी सरकार है कि ये कभी हटेगी नहीं, तो राजतंत्र तो यहाँ है नहीं। तो कल कांग्रेस आएगी तब इन देशों को नुकसान होगा, क्योंकि कांग्रेस अगर तुम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो यानी कि एनडीए को, तो जब यूपीए सरकार आएगी तो वो तुम्हारे विपक्ष में जाएगी यानी कि तुम्हारे विरोध में रहेगी। तो इसलिए एक देश को यही उम्मीद की जाती है और यही करना चाहिए कि उसे किसी पार्टी विशेष से संबंध ना रखते हुए किसी देश की देश से संबंध रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सरकारें बदलती रहती हैं, पार्टी बदलती रहती है, आज किसी और की सरकार है कल दूसरे की आएगी। अभी आपने देखा होगा नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी पर विरोध इसलिए हुआ था कि आप ट्रंप से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, एक लिए थोड़ी है कि ट्रंप अगली बार जीत कर आएंगे, अगर वो हार गए दूसरी सरकार आई तो जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं अमेरिका में उन्हें इसका एक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्लियर है कि आप अगर उनके विरोध में रहेंगे और अगर ऐसी सरकार आई विरोधी सरकार तो वो तो बदले की भावना रखेगी ना। आगे बात करते हैं हम लोग नेबरहुड फर्स्ट नीति की आवश्यकता। भारत के अधिकांश पड़ोसी देश छोटे हैं जिनके कारण भारत को लेकर वे सदैव आशंकित रहते हैं तथा कहीं ना कहीं भारत के संदर्भ में बिग बर्डन सिंड्रोम से प्रभावित है। ऐसे में पड़ोसी देशों में शांति स्थायित्व विश्वासपूर्ण संबंध भारतीय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत के अधिकांश पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध है, परंतु कई बार यह वैश्विक परिस्थितियों तथा क्षेत्रीय घटनाओं से प्रभावित होते रहते हैं। पड़ोसी देशों के साथ संबंधों की बात की जाए तो वर्तमान में अफगानिस्तान के साथ भारत के मधुर संबंध हैं तथा वहां क्षमता निर्माण में भारत प्रमुख भूमिका निभा रहा है, परंतु तालिबान की सक्रियता यहाँ चिंता का विषय बनी हुई है। नेपाल के साथ भी भारत के अच्छे सामाजिक सांस्कृतिक संबंध हैं, परंतु नेपाल की आंतरिक स्थिति तथा यहाँ चीन की मौजूदगी इसे नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। भूटान के साथ भारत के संबंध सदैव मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध रहे तथा वर्तमान में भी ये संबंध प्रगतिशील है। बांग्लादेश और म्यांमार के साथ संबंध तीव्र गति से आगे बढ़ रहे, लेकिन चीन की मौजूदगी यहाँ भी संबंधों को प्रभावित कर रही है। चीन अपना प्रभाव हिंद महासागर के व्यापारिक मार्गों पर स्थापित करना चाहता है। ऐसे में चीन भारत के पड़ोसी देशों को आर्थिक सहायता प्रदान कर वहां अपना प्रभाव स्थापित करने की मंशा से भारत को स्ट्रेंथ ऑफ पल्स की नीति के तहत घेरने की रणनीति पर कार्य कर रहा है। अर्थात दक्षिण एशिया में चीन को स्थिति संतुलित करने के क्रम में पड़ोसी देशों की भूमिका अत्यंत बढ़ जाती है। अपनी सामरिक आवश्यकताओं को साधने के साथ ही दक्षिण एशिया में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की स्थापना आर्थिक विकास व्यापारिक उन्नति
आसियान देशों के साथ व्यापारिक संबंधों की स्थापना तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों के विकास, सीमा प्रबंधन में इन देशों की महत्वपूर्ण भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि भारत अपने पड़ोसी में अपनी नीति में पड़ोसी देशों को प्राथमिकता एवं वरीयता प्रदान करे। अब बात करते हैं नेबरहुड फर्स्ट नीति के संभावित लाभ ना मिलने के कारण। दक्षिण एशिया में राजनीतिक अस्थायित्व, निजातीय संघर्ष, कनेक्टिविटी का अभाव जैसी समस्याएं पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में गतिरोध एवं अविश्वास उत्पन्न करती हैं। इसके अलावा इन देशों में चीन का हस्तक्षेप इसे और जटिल बना देता है। इसके पीछे एक अन्य मनोवैज्ञानिक कारण को भी देखा जा सकता है। भारत के बड़े आकार तथा अर्थव्यवस्था को लेकर पड़ोसी देशों में मनोवैज्ञानिक भय उत्पन्न होता है, जिसे वह चीन के माध्यम से संतुलित करने का प्रयास करते दिखाई देते हैं। अतः भारत को मनोवैज्ञानिक समस्या के समाधान भी वैचारिक एवं मनोवैज्ञानिक आधार पर ही खोजना चाहिए। बात करते हैं सार्क की अपेक्षा बिम्स्टेक की हो वरीयता। तो इनके बारे में बता दें, सार्क के बारे में आपको, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, यानी कि दक्षिण एशियाई देशों का कुछ देश इसमें शामिल है आपके संगठन में। इसमें आपके 8 देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है, और सार्क जो आपका संगठन है, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को, याद रखना है, 8 दिसंबर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान द्वारा मिलकर की गई थी। अप्रैल 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका आठवां सदस्य बना। तो इस प्रकार इसमें आपके 8 सदस्य हैं। इसका मुख्यालय आपका काठमांडू में है, ठीक है। और बिम्स्टेक की बात करें हम लोग, तो इसमें आपका बांग्लादेश, भारत, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल सदस्य हैं। इसमें आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल नहीं है, ठीक। इसकी स्थापना, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका ढाका, बांग्लादेश में, ठीक है। और इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। कब हुई थी? 1997 में। इसमें आपके कौन कौन से देश हैं? 7 देश, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, ठीक है। उल्लेखनीय है कि दक्षिण एशिया के लोगों की जीवन गुणवत्ता में वृद्धि तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास और नागरिकों के मध्य आपसी समन्वय व सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशियाई देशों, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क की स्थापना की गई थी। किंतु अपनी स्थापना के लगभग 33 वर्षों पश्चात भी सार्क अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं रहा है, जिसके प्रमुख कारण भारत और पाकिस्तान संबंधों में मतभेद, अविश्वास और कनेक्टिविटी व संचार का अभाव है इत्यादि है। इस कारण कई विद्वानों का मत था कि अब सार्क से ज्यादा उम्मीद रखना व्यवहारिक नहीं है। भारत द्वारा उरी आतंकवादी हमले के पश्चात सार्क की पाकिस्तान में आयोजित 19वीं बैठक का बहिष्कार भी किया गया, जिसमें अन्य सदस्य राष्ट्रों ने भी भारत का समर्थन किया था। अब भारतीय नीति नेताओं को ऐसे मंच की तलाश थी जो भारतीय हितों की पूर्ति करने के साथ साथ दक्षिण एशिया व हिंद महासागर में शांति व सुरक्षा को बढ़ावा दें। तथा एक्ट ईस्ट नीति के सफल क्रियान्वयन में अपनी भूमिका
निवाई यानी कि बिम्स्टेक। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्चुअल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इन उद्देश्यों की पूर्ति करने में सहायक हो सकता है। बिम्स्टेक दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के मध्य सेतु का कार्य करता है, क्योंकि इस संगठन में 5 सदस्य देश यथा बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, भारत सार्क के सदस्य देश भी हैं, जो हाँ म्यांमार और थाईलैंड आसियान संगठन के सदस्य राष्ट्र हैं। बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी के निकट मौजूद देशों का संगठन है, जिनका उद्देश्य राष्ट्रों के मध्य आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। यह विश्व की लगभग 22% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है तथा संगठन के सदस्य देशों की साझी जीडीपी लगभग 2.7 मिलियन डॉलर है। बिम्स्टेक के सदस्य देशों के साथ भारत के कोई राजनीतिक मतभेद भी नहीं है। इसके साथ ही सदस्य राष्ट्रों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं भी इस मंच की सफलता की संभावना को बढ़ाती हैं। उदाहरण के लिए नेपाल और भूटान इस मंच से अपनी भूभाग स्थिति से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। आगे की राय क्या हो सकती है इसमें? भारत को पड़ोसी देशों के साथ कूटनीतिक संतुलन बनाने रखते हेतु 3C कलर कल्चर कॉमर्स कनेक्टिविटी 3C यानी कल्चर कॉमर्स कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना होगा। पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंधों की स्थापना हेतु भारत को अपनी सॉफ्ट पावर तथा सांस्कृतिक कूटनीति का सहारा लेना चाहिए, जिनका चीन के पास अभाव देखा जाता है। इसके अतिरिक्त अपनी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि भारत के प्रति ट्रस्ट डिफिशिएट ना हो। तो चलिए, यह था आपका भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति से संबंधित आर्टिकल।